हेलो एवरीवन माय नेम इज कुलदीप और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कांसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सो एडमिनिस्ट्रेशन एक कोऑपरेटिव एफर्ट होती है लोगों के ग्रुप की जहां पर वो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं यह जरूरी होता है कि लोगों का ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए ताकि वो अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर सके दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक असेंशियल एलिमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ही मैन मटेरियल और मनी का सही से इस्तेमाल कर सकता है इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड पर्पसेस इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता टर्म ऑर्गेनाइजेशन वर्ड ऑर्गेनिसिज्म से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब एक दूसरे के डिपेंडेंट पार्ट्स की ऑर्गेनाइज्ड बॉडी जो कॉमन एक्टिविटी को शेयर करती है बात करें अगर डेफिनेशन की तो मोनी के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए हर एक ह्यूमन एसोसिएशन की फॉर्म है बात करें अगर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस की तो लूथर गोलिक ऑर्गेनाइजेशन के चार बेसिस पर्पस प्रोसेस पर्सन और प्लेस की बात करते हैं सो नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट थियरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज दिखी हेनरी फ्योल

देना हिरार्की का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हर एक कमांड और कम्युनिकेशन एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही पास होना चाहिए जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ए किसी डिपार्टमेंट का चीफ एग्जिव है तो ए बी को कमांड करेगा बी सी को सी डी को डी ई e को यानी कि डायरेक्टली ई सी को कम, uh, के साथ कॉन्टेक्ट नहीं करेगा सी ए के साथ नहीं करेगा पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो होगा ऐसे ही दूसरी तरफ भी प्रोसेस फॉलो किया जाएगा हेनरी फ्योल ने इस पूरे प्रोसेस में जो डिले आता है उसको अवॉइड करने के लिए गैंग प्लैंक का प्लैंग दिया है यानी कि उनके अनुसार सी जो है वो जी के साथ कांटेक्ट कर सकता है डी डायरेक्टली एच के साथ कांटेक्ट कर सकता है ई e, आई के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है यानी कि प्रॉपर सभी स्टेप्स को फॉलो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है जैसे कि ई डी सी बी ए एंड ऐसे स्टेप्स को फॉलो नहीं करने की जरूरत सो टाइम सेव हो सके नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड इसका मतलब होता है कि इम्प्लॉई सिर्फ एक सुपीरियर से ही ऑर्डर को रिसीव करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लॉय को कंफ्यूजन से बचाता है क्योंकि अगर यूनिटी ऑफ कमांड होगी तो इम्प्लॉय को पता होगा कि उसको किसकी कमांड को फॉलो करना है यूनिटी ऑफ कमांड के चीफ एक्सपोन हेनरी फ्योल हैं, जबकि जी डी मिलेट यूनिटी ऑफ कमांड की जगह ड्यूल सुपरविजन की बात करते हैं यानी कि कमांड एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा जगह से आनी चाहिए को को मूविंग फर्दर ऑफ कंट्रोल इसका मतलब होता है कि एक ऑफिसर कितने डायरेक्शन या फिर कंट्रोल कर सकता है जैसे कि एक पुलिस कमिश्नर के अंडर कितने पुलिस वाले आएंगे पैन ऑफ कंट्रोल को स्पेन ऑफ सुपरविजन और स्पेन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है एक ऑफिसर कितने सबोर्डिनेट को डायरेक्ट कर सकता है ये डिपेंड करता है एक ऑफिसर के फंक्शन कोई टाइम स्पेस उसकी पर्सनैलिटी या फिर आइडिया अंडर रिविजन के ऊपर नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके चीफ एक्सपोनेंट मुने एंड रिले हैं इनके अनुसार अथॉरिटी एक सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग पावर होती है जो कि लीगलिटी प्रोवाइड करवाती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अथॉरिटी का डिफाइनिंग फीचर ही उसकी वैधता होती है अथॉरिटी पावर होती है ऑफिस होल्डर की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार लॉ ट्रेडिशन एंड डेलीगेशन तीन सोर्सेस होते हैं अथॉरिटी के अथॉरिटी की हमें दो भी देखने को मिलती हैं नंबर वन इज पोजिशनल थेरी जो कि क्लासिकल थिंकर्स जैसे वेबर और फ्यूल सपोर्ट करते हैं और दूसरी है एक्सेप्टेंस थ्योरी जिनको बिहेवियरलिस्ट भीव, सपोर्ट करते हैं बात करें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सूचित करती है एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति के ऑब्लिगेशन दायित्व इन ऑर्डर टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज जब प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविल सर्विस टू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट इसको एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोला जाता है मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग हम अथॉरिटी को थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी नंबर टू इज क्रिस्मेटिक अथॉरिटी एंड नंबर थ्री इज लीगल रैशनल अथॉरिटी मूविंग फर्दर दैट इज कोऑर्डिनेशन ये ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल है ये सिंपली एक मीन होता है ना कि अपने आप में एंड कोऑर्डिनेशन को हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं फर्स्ट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेकेंड इज होरिजेंटल एंड परपेंडिकुलर एंड थर्ड इज प्रोसीजरल एंड सब्सटान इसको हर्बर्ट ए साइमन ने दिया है नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड

गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के केस में हम देखते हैं कि सेंट्रल uh, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर डिवाइडेड होती है एंड सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्राइजेशन ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है टेरिटोरियल डिस इसका मतलब हायर अथॉरिटी के द्वारा एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को एस्टेब्लिश करना फॉर एग्जाम्पल क्रिएशन ऑफ डिविजन डिस्ट्रिक्ट एटसेट्रा एंड देन फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन इसका मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सेंटर की स्पेशलाइज एजेंसी को देना फॉर एग्जाम्पल यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और फ्लड कंट्रोल बोर्ड एंड सो ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की हमें चार अप्रोचेस देखने को मिलती हैं फर्स्ट इज डॉक्ट्रीनल अप्रोच सेकंड इज Political approach, third is administrative approach, and fourth is dual role approach. Moving ahead, that is delegation. So, hierarchy. ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट यूनिट्स और लेवल को कंटीन्यूअस चेन ऑफ अथॉरिटी के साथ एक साथ बांधती है डेलीगेशन को हम बोल सकते हैं कि सौंपना अपनी पावर या ताकत जो होती है फर्दर अपने सबोर्डिनेट को सौंपना जैसे कि मुने यहाँ पर बोलते हैं कि डेलीगेशन मींस स्पेसिफाइड अथॉरिटी को ग्रांट करना हायर अथॉरिटी के द्वारा टू लोअर अथॉरिटी को डेलीगेशन के चीफ एक्सपोनेंट मुने हैं डेलीगेशन के हमें सात टाइप्स देखने को मिलते हैं फर्स्ट इज डाउनवर्ड अपवर्ड एंड साइडवर्ड सेकंड इज आउटवर्ड डेलीगेशन थर्ड इज पर्मानेंट एंड टेम्पररी फोर्थ इज फुल एंड पार्शियल। फिफ्थ इज कंडीशनल एंड अनकंडीशनल सिक्स्थ इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल And seventh is direct and intermediate. तो तो सात प्रकार से पावर जो है है. वो further हर authority के द्वारा अपने को delegate या फिर सौंपी जा सकती है. Next is supervision. तो supervision का मतलब होता है एक सुपीरियर अपने सुबोर्डिनेट को देखता है कि वो जो काम उसको सौंपा गया है अच्छे से कर रहा है या नहीं सुपरविजन वर्ड सुपर और दो वर्ड से बना है Marks के according, supervision के तीन होते हैं की Michigan study ये बताती है, जितनी ज्यादा सुपरवाइजर की ड्यूटी जनरल होगी उतनी ही ज्यादा हमें वर्कर्स की तरफ से प्रोडक्शन देखने को मिलेगी इस स्टडी के बेस्ड लिक सुपरवाइजर्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट इज जॉब सेंटर्ड सुपरवाइजर्स एंड सेकंड इज इज एम्प्लॉई सेंटर्ड सुपरवाइजर्स फर्दर लाइन एंड स्टाफ तो हमें पता है कि गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज तीन तरह की एजेंसीज लाइन स्टाफ और ऑक्सिलरी से बनती है इन तीनों यूनिट्स के बीच डिफरेंस होता है इनके नेचर ऑफ वर्क में अगर हम बात करें लाइन की तो यहाँ पर काम किया जाता है फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस स्टाफ लेवल पर असिस्ट और एडवाइज किया जाता है लाइन एजेंसी एजेंसी को उनकी एक्टिविटीज में और का काम होता है लाइन एजेंसीज को कॉमन हाउसकीपिंग सर्विसेज

Public Works Department or UPSC. So, this is all about this lecture. Thank you very much.